सीन ये है कि मुझे 3 दिन पहले कॉल आया था और मुझे बुलाया गया और मैंने डन कर दिया, मैं लास्ट दिन आऊँगा और लेट्स गो कि मैं जा रहा हूँ अभी, देखते हैं लेट्स गो कि सब अच्छा हो। और ये बेसिकली ये ब्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, मैं अपना इवेंट ड्रॉप करके मैं ये ब्लॉग के लिए जा रहा हूँ और लेट्स सी कि मुझे जितना मुझे मैंने सोचा है जितना मुझे अच्छा लगता है मैं उतना मुझे वहाँ पर मज़ा आता है कि नहीं। तो बैटरीज वगैरह चार्ज हो रही हैं और एक बैटरी मेरे हाथ में, एंड लेट्स गो कि कैसा रहता है, मैं तैयार होता हूँ और उसके बाद मुझे जाना है। एंड मेरे पीछे एक बोर्ड है और ये गौर से बोर्ड देख लो, और ये बोर्ड देख के शायद मुझे समझ, आप लोग को शायद समझ में आ रहा हूँ, मुझे तो पता है क्या होने वाला है पर आप लोग को समझ आ गया होगा और आ जाना चाहिए कि इस बोर्ड के तौर पे मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ और मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। तो लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट अगेन। पाकिस्तान में वैसे ही है ना, वो कहा जाता है कि अपना स्पोर्ट्स की बहुत कमी है, ठीक है ना। तो आज एक ऐसा स्पोर्ट्स मैं अपने पास लेकर आया हूँ जो बहुत से लोग खेलते हैं और मैंने बहुत से जगहों पे मैंने देखा कि बहुत से लोग खेलते हैं पर ये इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा। कहना से मैं इतना सा चाहता हूँ कि यार ये पाकिस्तान में ये चीज़ को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही स्पोर्ट्स की बहुत कमी, एक क्रिकेट के अलावा हम किसी के ऊपर नहीं जा रहे। देखा जाए तो ज़्यादातर हम क्रिकेट में हैं और लियारी में फ़ुटबॉल है, ऐसे ही करके एक आर्ची है, आर्ची कहा जाता है तीर कमान को। और आज हम यहाँ पे स्काउट्स के बच्चों को प्रैक्टिस कराना है सेना, मैंने क्लब, मैं अगर मुझे अच्छा लगा इसके बाद मैं भी क्लब ज्वाइन करूँगा। जितना मैंने इनसे भी आइडिया लिया, जितना मैंने इनसे ब्रीफ लिया, मैं मीटिंग में बैठा था, मुझे इनका आइडिया बहुत पसंद आया। 3 लड़कों ने स्टार्ट किया है, मैं खुद लड़कों से मिलाता हूँ, ये 3 लड़कों ने स्टार्ट किया, 1, 2 और 3, ये 3 लोग हैं जो क्लब के हेड हैं और क्लब को मैनेज ये करते हैं और आज यही सिखाएंगे हम लोग को कि आर्ची होती क्या है। तो मैं भी सीखूंगा, बच्चे भी सीखेंगे और हम सब सीखेंगे। तो पहले मुझे आप, मैं इनसे शुरू करता हूँ कि पहले मुझे बताओ कि आर्ची है क्या। मेरा नाम खालिद है और मैं जो हूँ अपने इन दोस्तों के साथ मिलकर मैंने ये क्लब स्टार्ट किया है। क्लब का हमारा नाम है बोमेन आर्चरी। मेरा नाम इल्हाम करीम है और मेरा जो ताल्लुक़ है बोमेन आर्चरी क्लब से ताल्लुक़ है और स्टार्टअप जो हमारे खालिद भाई ने लिया था तो इनके साथ मेरा भी साथ में था। और बेसिकली आर्चरी जो है वो एक एंशियंट गेम है जो पुराने ज़माने में लोग इसको एज हंटिंग यूज़ करते थे और अपना फाइटिंग इक्विपमेंट के लिए भी यूज़ करते थे जंगों में भी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी लोगों में ज़्यादा बढ़ता गया और ये गेम और इस तरह से ये एक स्पोर्ट बनता गया और एज ओलंपिक्स भी पार्ट है और लोग ज़्यादातर ये है कि अब लोग एज स्पोर्ट्स के तौर पर यूज़ करते हैं और ओलंपिक्स गेम्स में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। मेरा नाम जो है वो अकमल है और आर्ची से ही ताल्लुक़ है और बोमेन आर्ची जो है हम लोग ने आगाज़ का किया है और पाकिस्तान में ये जो है न्यू गेम है। हालांकि गेम जो है काफ़ी पुराना है लेकिन पाकिस्तान में जो है इसका रुझान काफ़ी कम था, तो हम ये चाह रहे हैं कि इस गेम में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे यूथ आके इंटरेस्ट लें। नाम सुन के ना, नाम सुना कि कैसा नाम था, बॉम एन आर्ची क्लब। तो यार नाम सुन के तो मैं बॉम हो गया और डेफिनेटली अगर मुझे पसंद आया डेफिनेटली आई एम गोइंग टू जॉइन दिस क्लब आर्ची। सच में बताऊँ तो यार वो 10-10, 20-20 रुपये के बचपन में आते थे ना वो तीर कमान, तो मैं वो लेके घूमता था पर यार सीरियस जब ही मारा है ना मैंने तो आगे तक गया ही नहीं है, बीच में आके जहाँ भी निशाना मारा है उसके बीच में आके रुक जाता था। तो वो आर्ची एलसी वो लकड़ी थी और ये रियल आर्ची है। तो लेट्स ट्राई कि अगर मैं भी सीख जाता हूँ तो मैं भी आई एम रियली डेफिनेटली गोइंग टू जॉइन दिस क्लब और कोशिश करूँगा मुझे डिस्काउंट भी मिल जाए अच्छा खासा। पीछे आप लोगों को कैम नज़र आ रहे होंगे और मेरा यहाँ पे आने का मकसद दो था, मेरा इवेंट था, मैं अपना इवेंट ड्रॉप करके
सिर्फ इस व्लॉग की शूट पे आया हूँ और मैं देखने आया हूँ, और मेरे दो रीज़न थे आने के, सीरियस बताऊँ मेरा बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, मैं उसको ड्रॉप करके इसलिए आया हूँ क्योंकि पहली बात कि मैं चाहता हूँ कि ये आर्ची का जो आर्ची स्पोर्ट्स है ये थोड़ा प्रमोट हो, और सीरियसली मुझे बहुत पसंद है आर्ची, मुझे बेसिकली मुझे बचपन से बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि यार आर्ची स्पोर्ट्स प्रमोट हो स्पेशली इन पाकिस्तान, क्योंकि क्रिकेट के अलावा हम लोग कुछ करते ही नहीं है, हमारा फुटबॉल भी प्रमोट बहुत मुश्किल से हुआ है, और अभी भी मैं चाहता हूँ कि फुटबॉल और प्रमोट हो, क्योंकि लियारी में सीरियसली बहुत टैलेंट है, मैंने देखा है लियारी में बहुत टैलेंट है फुटबॉल का, इसी तरह आर्ची का टैलेंट मैंने देखा है यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा है, बस ये प्रमोट नहीं हो रहा, और मैं चाहता हूँ कि इस व्लॉग के बाद आप लोग इसको शेयर करें और आर्ची का प्रमोट करें, और बॉयज, और दूसरा मेरा रीज़न ये बॉयज स्काउट्स की, स्काउट से मेरा भी बिलोंगिंग्स है, ये स्काउट्स है रोवर्स है, इनको आर्ची सिखाया जा रहा है, क्यों सिखाया जा रहा है, जहाँ तक मुझे पता है इनका ये बैज है, बैच पास करना था। अच्छा यार, जिनको कैंप के बारे में नहीं पता मैं बता दूँ, कैंप बहुत बहुत ज़्यादा क्रेज़ी सीन्स होते हैं कैंप के, हद से ज़्यादा, मैं भी साल में एक दफ़ा कैंपिंग पे जाता हूँ, हमारी भी इसी तरह किसी ग्राउंड में अननोन ग्राउंड में हमारी कैंपिंग होती है, हमें हमारा कैंप खुद पिच करना होता है, जो कैंप के चार बॉर्डर्स हैं हमें उसकी जो लोहे होते हैं सड़ी होते हैं हमें खुद लगाना होता है, फिर हमें रस्सी बांधनी होती है, फिर हमें कैंप खड़ा करना होता है, फिर हमें कैंप अंदर से साफ़ करना होता है, मतलब एक जैसे घर बनाना होता है पूरा, और फिर कैंप की इंस्पेक्शन होती है, हमको अपने यूनिफॉर्म में गेटअप होना होता है पूरा, मतलब होता है ना बिल्डअप खुद करना होता है, इन केस कल को अगर आप कहीं जाते हैं जैसे आर्मी को सिखाया जाता है भाई वो कहीं भी निकलती है आर्मी, ठीक है ना, और इनको कहीं भी स्टे करना होता है, जैसे ये कहीं भी स्टे करते हैं तो क्या ये अपने बलबूते पर स्टे कर पाते हैं, और मतलब क्या वो चीज़ें खुद बना पाते हैं, तो ये सब ये लोग देखते हैं, और ये सब इन लोग इस चीज़ को सिखाते हैं कि भाई कल को आप कहीं फंस जाते हैं तो आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं है तो आप क्या खा सकते हो, आपके पास कुछ यूज़ करने के लिए नहीं, आप कैसे यूज़ करोगे, वॉशरूम नहीं है तो आप कहाँ आप क्या यूज़ करोगे, ठीक है ना, घर नहीं है तो आप कैसे अपना कैंप बिल्डअप करोगे, मतलब पूरा सिखाया जाता है कि कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को आप किस तरह फेस कर सकते हो, इसलिए कैंप में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। इस वाले शॉट के बाद तो ना मैं तो लड़के का फ़ैन हो गया कसम से, और मैं और भी एक्साइटेड हो गया हूँ, और अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह बच्चे एक्साइटेड हुए हैं, बच्चे किस तरह बच्चे और बड़े सबको चाहिए भाई कि हमें भी एक बार करना है इस शॉट के बाद, इसने डायरेक्ट बीच वाले सर्कल में हमारा जो येलो सर्कल होता है सीधा डायरेक्ट 10 नंबर पर 10 नंबर पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से रेडी हो रहे हैं सब, अक्का मक्का हो गया भाई कि मुझे पहले करना है, मुझे पहले करना है, तो पहले बच्चों को कराएंगे फिर मैं करूँगा, उसके बाद क्या कर सकते हैं, मेरी बारी बाद में। अच्छा, तो अभी इसने ट्राई किया था मुझे धूप की सजा, इसने अभी ट्राई किया था, आप मुझे बताओ कि अभी आपको आर्ची कैसा लगा पहले तो ये। मुझे आर्ची बहुत अच्छा लगा, मुझे आर्ची बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया था, अभी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, मैं फ्यूचर ऑक्यूपेशन उसके तौर पर देखूँगा। ये ऐसे ही बोल लो या मैंने बोलने में बोला है? अपनी तरफ से बोल लो, सही है। अच्छा यार, स्काउट और आर्ची का क्या मतलब कॉन्सेप्ट है? वैसे तो मुझे पता है ये, मैं भी रोबोट्स में, तो मुझे आप बताओ कि स्काउट और आर्ची का क्या कॉन्सेप्ट है, आर्ची का कॉन्सेप्ट क्यों सिखाया जा रहा है, क्या लगता है? ये इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि अगर कोई हम ऐसी सिचुएशन हो तो हमें पता हो कि हम हंट किस तरह करें, अपने फूड किस तरह रहते, और लॉर्ड माउंटबेटन अपने साथ हमेशा आर्ची रखा करते हैं। स्काउट कैसे क्या लेना देना, क्योंकि वो रखते थे तो हम भी रखते, वो okay. मतलब so, हमें बैच है हमारा, हमें बैच पास करना है। और तो आर्ची के बारे में और कुछ, जब कैसा फर्स्ट ट्राई किया ना आज तो, और कितने ट्राई किए, कैसा लगा? वैसे तो मुझे पहले इंटरेस्ट नहीं था, मगर पहले बोरिंग लग रहा था ना जब वो लेक्चर सेक्शन दे रहे थे, लेक्चर दे रहे तो बहुत बोरिंग लग रहा था, मुझे सिर्फ डायरेक्ट वो प्रैक्टिकल करना था, और प्रैक्टिकल में मजा आया ना, आर्ची गिरा भी दिया था ना।
वो मैंने गिराया नहीं था, मुझे लगा हो गया तो मुझे लगा पकड़ लेंगे, मैंने यूँ छोड़ा तो मुझे नहीं पता गिर गया। मैंने उसको पहले बताया था कि कैंप के बच्चों को अपनी कैंप की पिचिंग और कैंप निकालना उठाना सब कुछ खुद और लगाना खुद पड़ता है। तो अभी ये कैंप की बस इनकी फिनिशिंग है, मतलब इनका कैंप एंड हो रहा है, ये लोग कैंप निकाल लें। मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे किस तरह कैंप निकालते हैं और क्या करते हैं। तो अभी इनका तकरीबन एक कैंप पहुँच गया, तो ये एक, ये दो और ये तीन, तीन कैंप, चार कैंप थे, ये तीन कैंप आप देख सकते हैं इस तरह के, और चौथा कैंप यहाँ से गायब हुआ है। और इसकी इन लोगों ने पिचिंग की है, मतलब सॉरी पिचिंग नहीं की, इनको वापसी अनपिच के इनको निकाला गया है। और इस कैंप की सफाई हो रही है, सफाई के बाद ही कैंप पूरा पैक होगा। और ये इस कैंप के ग्रुप के बच्चे थे। फाइनली एक घंटे बाद और इतनी मेहनत के बाद, इतना रुकने के बाद मेरी बारी आ गई है, और मैं भी ट्राई करता हूँ कि मुझसे भी लगता है कि नहीं, कोशिश पूरी की लग जाए तो मैं ट्राई करता हूँ कि मुझसे लगता है कि नहीं। अब ये दो बंदे चले जाएँ तो मैं ट्राई करूँ। और वैसे इंटरेस्ट मेरा बहुत बिल्डअप हुआ, क्योंकि वेट करते करते मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हो गया, और मुझसे कितना अच्छा हो सकता है। फाइनली मेरी बारी आ गई है, और मुझे मुझे नहीं पता इलाम किस तरह करते, मुझे पहले बता करते कि सर वीडियो बना दे रहे, मुझे बता दे रहे किस तरह करते हैं। आप हुक, इसको सबसे पहले हुक कर दो सर। ये जो आपको रेड सर्कल नज़र आ रहा है, ये अपर्चर कहता है, कहलाता है। आप इससे एम करेंगे, इसको आपने येलो के सेंटर में रखा है। अब आप अपना आर्म बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे और ये अपना एल्बो उठाएंगे, ये आपका प्री ड्रॉ कहलाता है। उसके बाद आप इसको खींचना स्टार्ट करेंगे, ड्रॉ करें और एम करें। आपने ये सर्कल जो है सेंटर में रखना है बोर्ड पे, अब रिलीज़ कर दें। सही, तो एम हो गया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मेरा आता है कि नहीं आता, ठीक है। रिलीज, वन टू एंड थ्री, शॉट बाहर चला गया। अपने से आर्ची नहीं होगी बात। मतलब तुम लड़के की किस्मत देख रहे हो कितनी ख़राब है। अब तक सबकी वीडियो बना रहा था, सिखा रही थी, मैंने एक बंदे को दी वीडियो बनाने के लिए, और वीडियो मेरी बनी, मैंने शॉट भी लिया, बट क्या हुआ भाई, ब्लर आ गए और शॉट भी मिस हो गया। किस्मत देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम।